सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी से मिले इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन, भारत को बताया विश्व शक्ति, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। बीएसएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारत और बांग्लादेश के गहरे संबंध, कोई इसे कमजोर नहीं कर सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, कहा भविष्य में बिना अनुमति कैंपस में नहीं आए, दौरे से स्टूडेंट्स की सुरक्षा को खतरा। अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे, कहा हमारे संबंध कोई नहीं तोड़ सकता, टैगोर की जन्मस्थली जाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम चौटाला का विवादित बयान, बोले हमारे यहां आवारा पशुओं को कहा जाता है खट्टर, 2024 से पहले टूट जाएगा गठबंधन। योगी ने 22, अखिलेश ने 5 जनसभाएं की, बसपा कांग्रेस मैदान में नहीं आई, यूपी निकाय चुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। ओवैसी ने पूछा अतीक अशरफ के हथियारे कौन थे, मुख्यमंत्री बताएं कहां से आई पिस्टल, क्या वे लश्कर के एजेंट थे। पड़ोसी ने छात्रा को पीट पीट कर मार डाला, गोरखपुर में शराब के नशे में छेड़खानी कर रहा था, विरोध करने पर किया हमला। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेला की तैयारी शुरू, आज के मेले को लेकर डीएम ने की बैठक, 27 जून से 4 जुलाई तक चलेगा मेला। लखनऊ में दूल्हे ने की दुल्हन की हत्या, शादी के दिन ब्यूटी पार्लर ले जाने के बहाने बुलाया, दुपट्टे से गला घोट कर जंगल में फेंका शव। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा, 6 की मौत, पूरे देश में इंटरनेट बंद, लाहौर में गवर्नर हाउस जलाया। डोनाल्ड ट्रंप यौन शोषण केस में जिम्मेदार ठहराए गए, पीड़ित महिला राइटर को 41 करोड़ रुपए देने होंगे, 9 मेंबर की जूरी ने फैसला सुनाया। भारत आसियान देशों के युद्धाभ्यास वाले इलाके में पहुंचा चीनी जहाज, भारतीय वॉरशिप से 80 किलोमीटर दूर रहा, नौसेना ने बंद किया ट्रैकिंग सिस्टम। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए 10,000 सैनिक, पुतिन ने यूक्रेनी नेताओं को नाज कहा, बोले पश्चिमी देश हमें तबाह करना चाहते हैं। बाखमुत में पीछे हट रहे रूसी सैनिक, वैनगर ग्रुप चीफ ने अपने ही सैन्य कमांडो को बताया बेवकूफ। मुंबई ने 99 बॉल में चेंज किया 200 का टारगेट, वानखेड़े में बेंगलुरु को लगातार 4th मैच हराया, सूर्या ने जड़े 83 रन। जयपुर में आईपीएल मैच से पहले फिर विवाद, राजस्थान रॉयल्स को भेजा लीगल नोटिस, यूथ बोर्ड उपाध्यक्ष बोले एमओयू की शर्तों का हुआ उल्लंघन। जोफ्रा आर्चर आईपीएल से बाहर, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन होंगे रिप्लेसमेंट। मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता, अर्जेंटीना सर्वश्रेष्ठ टीम, 1 साल दोनों अवार्ड जीतने वाले मेसी पहले खिलाड़ी। सूर्या की पारी पर कोहली ने बजाई तालियां, नेहाल ने कार पर मारी बॉल, ईशान का 102 मीटर लंबा छक्का। मनोज वाजपेयी की फिल्म पर हुआ विवाद, आसाराम बापू ट्रस्ट ने मेकर्स को नोटिस भेजा, कहा फिल्म में बापू की गलत छवि दिखाई। PS2 ने वर्ल्ड वाइड की 300 करोड़ रुपए की कमाई, 28 अप्रैल को रिलीज हुई थी फिल्म, रावण के बाद ऐश्वर्या विक्रम की ऑन स्क्रीन तीसरी फिल्म। केरल स्टोरी पर रोक की पिटीशन सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, पहले कहा था एक्टर प्रोड्यूसर ने मेहनत की, फिल्म अच्छी है या नहीं बाजार तय करेगा।
राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई 13 मई को दिल्ली में होगी सेरेमनी, 150 लोगों को भेजा न्योता। हाई जंप किक मारते दिखे टाइगर श्रॉफ, फिटनेस देख फैंस ने की तारीफ, बोले रियल एक्शन हीरो। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।